बरेली में आज मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर ब्लॉक परिसर से नवाबगंज विधायक डॉ एमपी आर्य के नेतृत्व में एक अमृत कलश यात्रा निकाली गई। जिले के सभी 15 ब्लॉकों के अमृत कलश बरेली के संजय गांधी कम्युनिटी हॉल पर एकत्र होकर लखनऊ और फिर दिल्ली के लिए रवाना होंगे। वहीं इस मौके पर नारी शक्ति वंदन सम्मेलन का आयोजन किया गया। उच्च शिक्षा मंत्री रजनी तिवारी ने नारी शक्ति को संबोधित करते हुए कहा कि महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति सजग हो रही हैं और हर क्षेत्र में आगे भी बढ़ रही हैं। नारी हमेशा से सशक्त है, उसके लिए नीतियां बनाने की आवश्यकता है, उसको दिशा देने की आवश्यकता है, अच्छी बेहतर कानून व्यवस्था रखने की आवश्यकता है। जो मोदी जी की सरकार में सारी चीज़ें दी जा रही हैं, सारी वो चीज़ें हो रही हैं जो महिलाएं चाहती थी, आज उनके लिए व्यवस्थाएं भी हो रही हैं, योजनाएं भी बन रही हैं। शासन के निर्देश के अनुसार अमृत कलश जो है मेरी माटी मेरा देश के कार्यक्रम के अंतर्गत जो है यहाँ से बरेली के लिए जो है भेजा गया है, वहाँ संजय कम्युनिटी हॉल में 29 तारीख को, फिर ये लोग दिल्ली जाएंगे, दिल्ली में 31 तारीख का कार्यक्रम। अमृत कलश का यही उद्देश्य है कि जो हमारे वीरों की मिट्टी है या जो हमारे देश की माटी है वो एक जगह एकत्रित करके वो जो वीरों की जो भूमि है उस पर कुछ वाटिका वगैरह लगाने के लिए। देखिए, नारी शक्ति बंधन जो कार्यक्रम आज हुआ, नारी शक्ति का सम्मान हम अगर अपना प्राचीन इतिहास, अपने पुराण, अपने वेद उठाकर देखें तो हमारी हमेशा से सभ्यता रही है, हमने हमेशा नारी का सम्मान किया है, चाहे वो देवी के रूप में, चाहे शक्ति के रूप में, सही हमने भारतीय संस्कृति ने हमेशा नारी का सम्मान किया है। और उसी सम्मान को, चूंकि देश में नारी को लोगों ने एक वोट बैंक तो समझा लेकिन नारी को कभी हक देने की बात नहीं की। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने एक काम करके दिखाया।